माफिया मुख्तार अंसारी पर सिकंजा कसते हुए गाजीपुर पुलिस ने शनिवार को अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा दर्ज किया। जिलाधिकारी गाजीपुर की ओर से दो दो बार शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के बावजूद शस्त्र जमा नहीं करने के मामले में कार्रवाई कर दी गई। मुख्तार के खिलाफ गृह क्षेत्र की कोतवाली मोहम्मदाबाद में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस वारंट और रिमांड की तैयारी कर रही है। इस कोतवाली में पहले भी तीन केस में मुख्तार अंसारी नामजद है। पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती गई और बढ़ती भी जाएंगी। गाजीपुर की कोतवाली मोहम्मदाबाद में शनिवार को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के नए केस में तहत मुख्तार अंसारी को नामजद किया। मोहम्मदाबाद CEO राजीव द्विवेदी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की आपराधिक गतिविधियों के चलते जिलाधिकारी गाजीपुर ने उसके दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। DM गाजीपुर ने 1996 में मुख्तार की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था तो 2017 में राइफल का लाइसेंस भी निरस्तीकरण हो गया। दोनों लाइसेंस निरस्त होने के बाद DM कार्यालय ने नोटिस जारी कर तामीला कराया और शस्त्रों को जमा करने का आदेश भी जारी किया। पुलिस और प्रशासनिक कवायदों के बावजूद मुख्तार अंसारी की ओर से टालमटोल किया गया और शस्त्र नहीं जमा कराए गए। मुख्तार उन अवैध शस्त्रों को अपने पास रखे हैं। पुलिस की ओर से मामले की जांच कई वर्षों से चल रही थी लेकिन फाइल ठंडे बस्ते में चली गई और फिर मामले में कार्यवाही करते हुए मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज किया गया। उत्तर गाजीपुर पुलिस ने अलग अलग थानों में मुख्तार से जुड़े पुराने मामले खंगालने शुरू कर दिए। मोहम्मदाबाद CEO राजीव द्विवेदी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों और अधूरी पड़ी सरकारी सूचनाओं में कार्यवाही की कवायद शुरू कर दी है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.